Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. तो बिग बॉस 16 का जब से ये सीजन शुरू हुआ है, दोस्ती दुश्मनी में बदली है, दुश्मनी दोस्ती में बदली है, लेकिन दो ऐसे लोग जिन्होंने अपने बीच का रिलेशनशिप मेंटेन रखा है थ्रू आउट द सीजन, दैट इज प्रियंका एंड निमरित। दोनों बहुत क्लियर हैं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे से वो ना बात करती है ना कभी इंटरेक्ट करती है, लेकिन व्यूअर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि जहां प्रियंका जो है निमरित की पीठ पीछे बात नहीं करती है और निमरित उनके किसी भी डिस्कशन का हिस्सा नहीं रहती, निमरित प्रियंका से काफी ज्यादा जेलस है और इनसिक्योर है, और इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स व्यूअर्स को देखने को मिली कल के एपिसोड में। तो जैसे ही साजिद खान घर छोड़ के जाते हैं, सबसे पहले तो निमरित कहती है कि शालिन और प्रियंका कहीं ना कहीं मन में बहुत खुश है और ये जो भी इमोशनल होने का नाटक करे वो सिर्फ एक दिखावा है जो वो साजिद खान के लिए कर रहे हैं। उसके बाद वो किचन एरिया में रहते हैं जहां पे ऑफकोर्स चारों के चारों ही बहुत मायूस है साजिद के घर से बेघर होने की वजह से। और फिर से निमरित जब एक ग्रुप हक होता है तो निमरित कहती है कि अब ये चारों मिलके जो है बाकी अपोनेंट्स की वाट लगा देंगे, और कुछ थोड़े अपशब्द भी यूज करती है जिसपे शिव और स्टैन दोनों ही रिएक्ट करते हैं कि फिलहाल तो उन्हें किसी की भी वाट लगाने में या झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जी हाँ, सबको कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि निमरित की जो इनसिक्योरिटी है प्रियंका को लेके वो वापस कहीं ना कहीं उमड़ रही है, और शायद साजिद के जाने के बाद अब निमरित को ऐसा लग रहा है कि अगर उनका जो बॉन्ड है, उनकी जो ये मंडली है स्टैन शिव निमरित और सुंबल की, अगर ये टूट गई तो निमरित की जो गेम है वो शायद रहेगी नहीं और निमरित खेलेंगी क्या। तो सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निमरित फिर एक बार प्रियंका से इनसिक्योर होंगी, लेकिन आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को। हाय गाइस, दिस इज मी अनुष्का सीन, यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू।